गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको ये बता दें कि नाउन यानी संज्ञा, आपने सुना होगा बहुत बार, अर्लियर क्लासेस में भी सुना होगा कि नाउन होता है कुछ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशन और आइडियाज, तो ये नाउन होता है। एक्चुअल में सबसे पहले कभी आपने ये सोचा है कि नाउन की एक्चुअल में यूज़ क्या है और नाउन का यूज़ जो हुआ क्यों हुआ? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाउन का यूज़ क्यों होने लगा। अब सपोज दैट आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और मैं आया वहाँ पे और मैंने बोला कि आप खड़े हो जाइए। मैंने आपकी तरफ सिर्फ बोला, मैंने आपको ना अपना हैंड दिखाया ना कुछ कहा, मैं क्लास में मैंने बोला आप खड़े हो जाइए। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि कौन आप, नहीं पता चला। मैंने बोला कि बेटा शिवांश आप खड़े हो जाओ, ठीक है, रागिनी आप खड़ी हो जाइए। तो पर्टिकुलर कौन खड़ा होगा? आपकी क्लास के यही दो स्टूडेंट खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। तो नाउन का यूज इसीलिए हुआ, यानी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, आसानी से इजिली आप किसी की चीज को भी आइडेंटिफाई कर सके। मैंने आपसे बोला चेयर, तो आप यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पे अलमीरा है, बॉटल है, चेयर है, टेबल है, क्रिकेट बैट है, बॉल है, सब कुछ है। मैंने आपसे बोला जाइए चेयर उठा लाइए, तो आप जाएंगे और सीधे क्या पिक करेंगे? चेयर को। आपको कैसे पता चला कि हम इस चीज को चेयर कहते हैं? नाम से, क्योंकि उसको हम क्या बुलाते हैं? चेयर। मैंने बोला कि भैया हमें उन्नाव जाना है, कानपुर जाना है या लखनऊ जाना है, तो आप कहाँ जाते हो, आपका स्कूल कहाँ है? उन्नाव में। तो आप सिर्फ उन्नाव ही क्यों आते हैं, कानपुर या लखनऊ क्यों नहीं चले जाते? क्यों? क्योंकि आपको उसका क्या पता है? नाम। तो शायद आई होप आप गेट कर रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी से कुछ वर्ड्स के नाम रखे गए थे जिन्हें नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। इसी की सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी रहती है, याद करनी रहती है कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम, यानी नाउन क्या है? एक नाम है। अब नाम किस चीज का है? किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, कोई मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर, या फिर कोई इमोशन, दुख, सुख, और कोई आइडियाज, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। तो आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, हर चीज की एक कैटेगरी होती है, एक प्रकार होता है। इसी तरीके के नाउन के भी टाइप होते हैं, देयर आर 5 types of noun, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब इनकी कैटेगरी इसलिए किया जाता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कोई इंसान का नाम आ गया, कोई जानवर का नाम आ गया, या किसी चीज का पर्टिकुलर नाम आ जाए, जैसे आपका भी कोई एक नाम होगा स्पेसिफिक, ठीक है, आपके भी सिबलिंग्स हैं, यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमंग देम यू हैव अ नेम, अ यूनिक नेम लाइक दैट। आपके भी सिबलिंग्स भाई बहन है, 5-6 भाई बहनों में आपका या 2-3 भाई बहनों में आपका कोई नाम है, ठीक है, तो उस नाम से जब किसी को बुलाया जाता होगा तो पर्टिकुलर आप ही जाते होगे। आपके भाई का कुछ नाम होगा, ब्रदर का नाम होगा, सिस्टर का होगा, उनको उनके नाम से बुलाया जाता है। यानी कोई किसी चीज का प्रॉपर नाम, अब आपके घर में कोई आया और मैंने रागिनी अगर बुलाया, सपोज दैट, या कोई भी नाम मैंने बुलाया, रौनक बुलाया, तो फिर रागिनी या रौनक ही निकल के आएंगे, कोई आपका गेस्ट नहीं चलाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर चीजों के, कोई प्लेस का या ऑब्जेक्ट का नाम होता है तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जैसे जॉन, दिल्ली, चेन्नई। इसके बाद बात करते हैं कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला लड़के, तो लड़के में सिर्फ एक लड़का नहीं आता है, लड़के में जितने भी आपके लड़के हैं कई सारे लड़के आ सकते हैं। मैंने बोला लड़के यहां चले आए, ठीक है, तो लड़के ही आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी, मैंने लेकिन नाम से नहीं बुलाया, सारे आ जाएंगे। तो जनरल एक तरीके से बोल सकते हैं लड़का, लड़की, चेयर, टेबल, ये हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बॉय, पार्क, चेयर, इसमें कोई नाम नहीं है, अगर नाम आ जाएगा, पर्टिकुलर नाम आ जाएगा, व्यक्तिगत नाम आ जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो ये आपके कॉमन नाउन हो गए। इसके बाद थर्ड काइंड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होती है नेम्स ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, यानी जब कई सारी चीजों को मिलाकर एक चीज बन जाए तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने बोला पुलिस, तो क्या पुलिस में सिर्फ एक इंसान होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। और मैंने अगर बोला पुलिस, तो इसका मतलब ये नहीं मैं उन्नाव की पुलिस की बात कर रहा हूं, वो कानपुर की भी हो सकती है, लखनऊ की भी हो सकती है, लेकिन
पुलिस, अब जैसे मैंने बोला पुलिस, कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? पुलिस ही तो बोलूंगा कि पुलिस आ गई, ये थोड़ी बोलूंगा एक पुलिस आ गई, दो पुलिस आ गई, तीन पुलिस आ गई। वी नेवर एवर काउंट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे आपके हेयर्स, ठीक है, बाल, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो कलेक्टिव नाउन में आपकी जैसे भीड़, इसको कलेक्टिव नाउन में रखा गया। भीड़ एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसमें कई सारे लोग होते हैं। तो इसी तरीके से आपके एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं, आर्मी, मॉब, नेशन, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट, देखिए सिंपल वे में बोले, जिसको हम फील कर सके, महसूस कर सके, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नेम्स ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, यानी ऐसी चीजें जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो कहलाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दुख, क्या आप दुख को देख सकते हो? नहीं देख सकते। दुख को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है। आपके इमोशन, आपकी मम्मी आपकी पिटाई लगाती है जोर जोर से, तो क्या होता है, आप रोते हो ना, आपका रोना तो दिखाई देता है लेकिन आप रोने के पीछे जो आप दुखी हो, क्या वो दिखता है किसी को? नहीं। क्या आपका रो रहे हो तो रोने से आपके आंसुओं को टच किया जा सकता है लेकिन आपके रोने को थोड़ी टच किया जा सकता है। आपकी कोई अप्रिशिएशन करता है, आपकी कोई प्रशंसा करता है, आप खुश हो जाते हो, तो वो खुशी आप कैसे दिखाते हो? आप अपने इमोशंस के द्वारा दिखाते हो, और वो इमोशंस क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट काइंड ऑफ नाउन, एंड दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने पहले भी आपको बता दिया था, दैट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, लाइक दैट गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी मटेरियल, पदार्थ से बनते हैं जो हमारे नाउन। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज एज इंग्रीडियंट्स फॉर मेकिंग, ये ऑल द थिंग्स आर मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, आयरन, स्टील। आई होप आपको नाउन और नाउन के काइंड समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज ए करनी है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के नाउन लिखे हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज में आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बुक में कर रहे हो तो नाउन को आपको अंडरलाइन करना है और उसी के सामने आपको उसका काइंड भी लिखना है, और अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो आपको उसमें नाउन लिखना है और नाउन के सामने उसका काइंड। हर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी नाउन हो सकते हैं, इस चीज का याद रखिएगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।